मावी टी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चावल के लड्डू जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमने लिया है चावल एक कटोरी, चीनी एक कटोरी, एक बड़ी चम्मच देसी घी, किसा हुआ नारियल थोड़ा सा हमने यहाँ पे तिल के दाने लिए हैं और थोड़ी सी चिरौंजी और आधे चम्मच इलायची पाउडर। यहाँ पर हमने चावल लिया है, इसे अच्छे से साफ कर लिया है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। हमें चावल को डालेंगे और महीन पीसेंगे। चावल को हमने पीस लिया है महीन और छन्नी से छान लिया है। आप चाहें तो चावल का आटा मार्केट से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी को हम गरम कर लेंगे। अब हम चावल का आटा डालेंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करेंगे। आटा को 3-4 मिनट तक भूनने के बाद हम तिल डालेंगे, इसको भी भून लेंगे साथ में, और गरी इसको भी डाल दिया हमने। सारी चीजों को हम अच्छे से फिर से भूनते हैं। हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो गैस को हम बंद कर देते हैं। आटा को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कर दी है कढ़ाई में, चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने पसंद से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में हम आधे कप पानी डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। हम चाशनी को एक कटोरी में 2-3 बूंद डालेंगे और चेक कर लेंगे अच्छे से एक तार बनने लगे। चाशनी हमारी तैयार है, गैस को हम बंद कर देते हैं। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। अब हम चावल का आटा डालेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चिरौंजी डालेंगे, थोड़ी सी चिरौंजी हम बचा लेंगे। और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसे हम लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू हम इसी तरीके से बनाएंगे। हमारे तैयार है, चिरौंजी लगा देते हैं। तीन रेसिपीज बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड